दोस्तों, नेचर में एक से बढ़कर एक अनोखे जीव पाए जाते हैं। कुछ इतने खतरनाक हैं कि इनसे सामना मतलब होता है मौत से सामना, और कुछ इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको देखना किस्मत वालों के ही नसीब में होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 ऐसे पक्षियों के बारे में बताएंगे, जिनमें से कुछ को आप पहले से जानते होंगे और कुछ को आप आज जान जाएंगे, जिनकी खूबसूरती आपको भी अपने होश खोने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए आज के इस रोमांचक सफर में। पक्षियों की हजारों प्रजातियों में से एक नंबर 5 पर जो पक्षी शामिल है वो है वुड डक। नॉर्थ अमेरिका के दलदली जंगलों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले ये पक्षी बाकी डक्स की तरह ही पानी में रहना पसंद करते हैं, और अपने बेहद कलर प्लूमेज के कारण ही सबसे खूबसूरत पक्षियों में अपना नाम दर्ज करा पाए हैं। नंबर 4 पर शामिल है अटलांटिक पेफिन। अटलांटिक महासागर के तट में पाए जाने वाले ये समुद्री पक्षी देखने में बेहद ही आकर्षक होते हैं। छोटे से दिखने वाले ये पक्षी अपनी बनावट के कारण किसी का भी मन मोह लेने की काबिलियत रखते हैं। छोटी मछलियों का शिकार में माहिर ये पक्षी सामान्य रूप से जंगल की परिस्थितियों में 20 सालों तक जिंदा रहते हैं। तीसरे नंबर पर जो पक्षी शामिल है उसका नाम है स्कारलेट मकाऊ। दुनिया के सबसे सुंदर तोतों में से एक अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको समेत ये रंगों भरा हुआ पक्षी अमेजन के जंगलों में भी देखा जा सकता है। ये तोता दुनिया के कई देशों में पालतू भी बनाया जाता है। इसका कारण ये है कि ये इंसानों की ही तरह आवाज भी निकाल सकता है। इनकी औसत उम्र 40 से 50 सालों तक रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनका वजन कभी कभार 2 किलो तक हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो पक्षी शामिल है शायद ही कोई होगा जो इसको नहीं जानता होगा, ये है पीकॉक। दोस्तों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत समेत दुनिया के बहुत से देशों में पाए जाने वाला ये पक्षी अपनी खूबसूरती के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से भी एक है। भले ही इनकी उड़ान कुछ मीटर तक ही हो, इनके पंखों का फैलाव 1.5 मीटर तक हो सकता है। नर मोर मादा की तुलना में ज्यादा सुंदर होते हैं। नंबर 1 पर जो पक्षी शामिल है वह है गोल्डन फीजेंट। अपने अनोखे सुनहरे रंग, खूबसूरत डिजाइन के कारण ही ये लोगों को काफी पसंद आता है। ये पक्षी ज्यादातर चीन की पहाड़ियों में पाया जाता है। लंबे फेदर जो इसकी लंबी पूंछ बनाते हैं इसको बेहद ही आकर्षक बनाते हैं, मगर इनकी वजह से ही ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते। चीन के लोग इस पक्षी को गुल्लक का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसे ही वाइल्ड फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।